तो पिछले क्लास में जहां तक पढ़े थे ना, केवल टाइप्स ऑफ मोशन की बात करे थे, अभी उसके आगे भी पढ़ना जरूरी है दैट कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो लिखो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। एसआई यूनिट समझते हो ना, स्टैंडर्ड यूनिट जो होते हैं। तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एम, और जो डिस्टेंस होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब समझ आता है आदित्य तुमको? ठीक नहीं है अनिश, नहीं सर, देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे तुम अगर फोर्स की बात करते हो, ठीक है, एग्जांपल से समझा रहे, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे यहाँ पे। जैसे तुम फोर्स की बात करते हो, तुम्हें बोला गया कि एक दरवाज़ा है, डोर है ऐसे, और इस डोर पे फोर्स लगाने हैं, तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा दैट कि जो भी डोर है उस पे फोर्स लगाना अच्छी बात है, बट जो फोर्स लगाना है वो किस डायरेक्शन में लगाना है। तुम ऐसा पूछना चाहोगे या नहीं पूछना चाहोगे? बिल्कुल पूछना चाहोगे। तो तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने बोला कि डोर है उस पर फोर्स लगाना है, बट वो फोर्स जो है वो किस तरफ होगा आप ये भी बता दीजिए, बिकॉज बिना डायरेक्शन बताए तो हम लोग जो भी डोर है उस पर फोर्स लगा नहीं सकते ना। किधर लगाएंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे? कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए ना डोर पे फोर्स लगाने के लिए, समझ रहे हो? विदाउट डायरेक्शन तो फोर्स का यहाँ कोई सेंस और कोई पर्पस तो बनता नहीं है, है कि नहीं? तो फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें तुमको केवल फोर्स कह देने से काम नहीं होगा, वहाँ पर तुम्हारे पास एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर एक डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए कि तुम जो फोर्स लगाना चाहते हो वो किस तरफ लगाना चाहते हो। क्लियर है? अभी जो भी है भाई, अभी यहाँ पर ये डोर है, अब इस डोर को या तो पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर डायरेक्शन का एक बहुत अच्छा मतलब कि सेंस होना जरूरी है, अदरवाइज केवल फोर्स लगा के काम नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? तो फोर्स को हमेशा उसके वैल्यू के साथ साथ, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, कुछ वैल्यू होता है ना कि ज्यादा फोर्स लगा रहा है कम फोर्स लगा रहा है, तो उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड, MAGNITUD। तो फोर्स को मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी लेकर के हमको चलना होता है फोर्स के केस में, समझ रहे हो बात? तो इसीलिए फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से आता है, और इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, समझ रहे हो? लेकिन जो भी क्वांटिटीज स्केलर होते हैं, जैसे सपोज करो तुम बात करते हो मास, है ना, तो मास की अगर बात करो, सपोज तुम किसी दुकान पे जाते हो, क्लियर है, तो अगर किसी दुकान पे जाते हो और उसको बोलते हो दैट कि आप मास का बात करते हो वहाँ पे, तो मास को कोई डायरेक्शन वहाँ नहीं दिखाते हम लोग, क्या वहाँ पे बोलते हो क्या कि मुझे 10 kg राइस चाहिए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कोई जिक्र होता है क्या? नहीं होता ना, मास केवल मास होता है। अभी सपोज करो कि वॉल्यूम की बात करो, अगर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन होता है क्या, या सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड या फिर सिर्फ उसका क्वांटिटी से तुमको मतलब है कि नहीं? मास का मतलब, बस केवल मास का मतलब हो गया कि
जो भी है भाई मास में, जो भी है उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, मास में तुम्हें नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई भी सेंस है ही नहीं, क्लियर है? इस वजह से ऐसा क्वांटिटीज, ऐसा टर्म्स, ऐसा वैल्यूज जिसमें केवल मेरा मैग्नीट्यूड रहने से काम चल जाता है, वो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अभी दैट कि हमारे पास जो टर्म्स है यहाँ पे, हमारे पास टर्म्स है कि डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी बोला गया है ना। तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोला गया बिकॉज डिस्टेंस की बात करेंगे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम मेरा हो जाएगा, समझ रहे हो? वहां पे मेरे को कोई भी डायरेक्शन का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ओनली मैग्नीट्यूड से मेरा काम यहाँ पे चल जाएगा, इसीलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? बोलो अनिश। यस सर। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस के बाद इसका और क्या प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे तुम्हें एक और सेंस यहाँ पे बताया जाएगा दैट डिस्टेंस जो होता है ना इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं देखोगे डिस्टेंस में, हमेशा पॉजिटिव देखोगे। ठीक है, चल सपोज करो अब नेक्स्ट एक और टर्म होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है अभी तुम्हें समझ आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ, डेफिनेशन होगा द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो लिखा है यहाँ पे, तो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में देखो बेसिकली तो अंतर तो बहुत सारा है। SI यूनिट इसकी भी मीटर ही लिखोगे, ये भी मीटर में ही मेजर किया जाएगा। इट्स SI यूनिट इज मीटर, m, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है? बिकॉज इसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है वो आगे बताऊंगा। तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, सॉरी दैट इट विल हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बिकॉज इट विल हैव मैग्नीट्यूड एंड इट विल हैव द सेंस ऑफ डायरेक्शन आल्सो। इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड एक और ट्विस्ट यहाँ पे आएगा दैट इट कैन बी, इसकी जो वैल्यू है ना इट कैन बी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, साथ ही साथ पॉजिटिव हो सकती है प्लस में एंड नेगेटिव भी हो सकती है, सारे वैल्यूज इसके पास हो सकते हैं। नेगेटिव बता रहा हूँ, पहले तुम दोनों का मतलब समझ लो कि डायरेक्शन क्या है कैसे है, ठीक है? उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसे नोट डाउन कर लो। तो तुमने समझा यहाँ पे दैट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो अंतर है वो क्या अंतर है। ये डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दोनों में डायरेक्शन का सेंस एक में कैसे लेते हैं और एक में कैसे नहीं लेते हैं, वो सब हम लोग डायग्राम के बेसिस पे यहाँ समझेंगे।
दैट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा अंतर क्या है, समझ रहे हो बात? तो वैसे तो अंतर जो भी है हमारे लेवल पे बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें नहीं देखना है, मैं कुछ कुछ एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो नेटवर्क ठीक है तुम्हारी, मतलब वीडियो क्लियर आ रही है तुम सबको? ओके, तो चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे समझेंगे। देखो जैसे कि हम लोग यहाँ से फर्स्ट में बात करें, फर्स्ट वाले डायग्राम में, तो हमें बेसिकली जाना है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए टू बी जाने के लिए हमने ये रास्ता चूज किया दैट हम पहले इधर गए, फिर यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, ऊपर गए, फिर इधर आ गए। तो जिस पाथ से भी हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी पाथ है हमारे पास, ये वाली डॉटेड लाइन वाली जो पाथ तुम देख रहे हो, तो ये जो डॉटेड लाइन वाली पाथ है ये हमारी वो पाथ है जिस पे हम लोग एक्चुअल में चल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में जिस पाथ में हम लोग चल रहे हैं दैट इज आवर डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर देते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करने पर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो इस वजह से हमें यहाँ देखना है दैट हमारी जो पॉइंट है वो कौन सी पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है या क्या है। तो स्ट्रेट लाइन जो भी होगी वो स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज दी शॉर्टेस्ट पाथ, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। स्ट्रेट लाइन जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जिस रास्ते से भी तुम चलोगे, जो भी तुम्हारा अपना चलने वाला रास्ता होता है, दैट इज योर डिस्टेंस। सेकेंड वाले डायग्राम में तुम देखो दैट एक पर्सन, एक बच्चा है साइकिल से, वो ए से बी पहले जाता है, फिर बी से सी जाता है वो। तो ए से बी, उसके बाद वो बी से सी चला गया है, तो तुम्हें यहाँ पर पता है दैट ए से बी वो जाएगा 4 मीटर, फिर बी से सी वो जाएगा 3 मीटर। बट एक्चुअली में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, ए से सी तक का। दैट इज नॉट, मतलब वो तुम्हारा अलग होगा। ये अगर 90 डिग्री बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम से उसको हम लोग निकालते हैं। तो ये तो डायग्राम के अनुसार तुमने देख लिया दैट कैसे हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट तुम अगर बात करो, ठीक है, कि और कौन सा तरीका हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने का, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, इतना तुम्हें समझ आ गया। अभी देखो डायरेक्शन की बात कर रहे हो आप, कैसे डायरेक्शन ले रहे हो, एक में डायरेक्शन कैसे नहीं ले रहे हो। जैसे तुम जब भी डिस्टेंस की बात करोगे तुम्हें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया रहेगा। सपोज तुम्हें बोला जाएगा दैट तुम्हें जाना है दिल्ली से तुम्हें जाना है, सपोज करो दैट पुणे, तो तुम्हारे लिए कोई पाथ डिफाइंड नहीं है। तुम्हें जिधर से मन है तुम उधर से जाना चाहते हो जाओ, तुम चाहो तो तुम ट्रेन बाय ट्रेन जा सकते हो ऐसे, ठीक है, तुम चाहो तो फ्लाइट से जा सकते हो डायरेक्टली ऐसे, है ना, या तुम चाहो तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो।
तो तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन होगा ना वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिस पाथ में एक्चुअली तुम ट्रैवल करके जा रहे हो वो ऑलवेज तुम्हारा डिस्प्लेस डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्टेंस कहने पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, तुम जिधर से मन उधर से जा सकते हो, बट जैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं ना तो हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कैसे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन ये आ जाता है दैट हमें फ्रॉम दिल्ली टू पुणे जो है ना एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में ही जाना है, समझ गए? तो यहाँ पर डायरेक्शन का सेंस आ गया डिस्प्लेसमेंट में, कि हमें दिल्ली टू पुणे एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ही जाना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट के सेंस में जब भी लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन आता है और डिस्टेंस में हमारा डायरेक्शन जो है वो नहीं आता है। अब जैसे सपोज करो दैट की एक और एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, और वो जो एग्जाम्पल है उसमें तुम्हें दिया जा रहा है दैट कि जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है दैट की यहाँ पर ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है तुम्हें? अभी जैसे ये एग्जाम्पल है तुम्हारा, ओके, तो यहाँ ध्यान देना दैट हमें दो रास्ते यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। एक तो भाई हम लोग बाई रोड ऐसे जा सकते हैं यहाँ से यहाँ, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर यहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर डायरेक्टली हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं। तो ऐसा रास्ता जो है ना वो स्ट्रेट पाथ जो भी है ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो घूमते हुए जा रहे हैं वो हमारा डिस्टेंस है। अब पॉजिटिव नेगेटिव और इसका क्या चक्कर है भाई? तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो वैल्यूज मैंने बताए थे उसका क्या मतलब है, ध्यान देना। दैट सपोज करो कि तुम अभी ना, तुम्हें मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हो? बोलो, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं पता है? हेलो, नहीं सर। ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है? यस। ओके, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हो ना, उसी के बेसिस पे मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। दैट सपोज करो ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस है, और यहाँ पर तुम्हें ना अभी क्या है, ध्यान देना, तुम क्लियर दिख रहे ना? अभी देखो यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करो कि तुम अभी ना यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एक जगह पर खड़े हो, और वो जगह है तुम्हारा ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो कहलाता ना बीच में जो होते हैं, तुम अभी यहाँ जीरो जीरो पे हो। थोड़ी देर बाद तुम आगे बढ़ते हो, तुम इस डायरेक्शन में जाते हो, ये तुम हो, तुम इस डायरेक्शन में जाते हो, अभी 1 मीटर गए, फिर और आगे गए, फिर और आगे गए, फिर और आगे गए, और फाइनली तुम यहाँ पहुंच जाते हो, ठीक है। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर है, सेम है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि तुम ए से बी गए थे, ए से बी गए थे, ये हमने ए से बी के लिए लिखा है। अब तुम चले जाते हो बी से, वापस घूम करके तुम आ जाते हो सी पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो भाई तुम्हारे पास ए से बी जाना है, फिर बी से सी आना है, तो अब जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो कितना है? 6 मीटर। तुम्हारा डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, पहले तो तुम यहाँ से 4 मीटर जाओगे आगे, फिर इधर 2 मीटर पीछे आ जाओगे, तो तुम्हारा डिस्टेंस जो है ना 4 मीटर प्लस 2 मीटर 6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर तुम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो उसमें, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी कितनी हो जाएगी? पहले तो तुम आगे 4 मीटर गए हो तो वो प्लस कहलाएगा, और जब पीछे लौट रहे हो तो वो माइनस कहलाएगा। इसमें डायरेक्शन का सेंस आ गया। पहले वाले में किधर भी जा रहे थे हम लोग प्लस ही कर रहे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अगर आगे गए तो प्लस 4 हुआ, फिर बी से सी लौट रहे, पीछे लौट रहे, इसलिए माइनस 2 हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ए से लेके सी तक का यही होगा ना, 2 मीटर ही होगा ना, तो यहाँ पे 2 मीटर तो आ रहा है आंसर। आया बस समझ में? वही अगर मान लो तुम ए से बी जाते हो, फिर बी से सी जाते हो, और फिर फाइनली सी से भी तुम आगे चले जाते हो और यहाँ आ जाते हो,
ठीक है, तुम यहाँ पहुंच जाते हो डी पे, तो अब तुम्हारी बात करेंगे अगर हम लोग, तो पहले तो तुम ए से बी गए हो, फिर बी से सी गए हो, फिर सी से ए गए, डी चले गए, है ना। तो तुम्हारी डिस्टेंस कितनी होगी? सेवन तुम्हारी डिस्टेंस हो जाएगी 2 प्लस, इधर 4 है, प्लस 4 से फिर वापस सी पे, ए से बी कितना है? 4 है, प्लस फिर बी से सी गया कितना है? 2 है, फिर प्लस सी से कहाँ चलेगा डी, कितना है? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 11 11 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले ए से बी गए हो +4, फिर तुम बी से सी गए हो -2, उल्टा गए हो, फिर तुम सी से डी गए हो, तो ये भी तो उल्टा ही है, प्लस वाले डायरेक्शन में थोड़ी है ये, ऑपोजिट इधर वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग प्लस ले रहे हैं, तो इसके इधर चलने पर हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। तो देखो तुम, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, मोशन तुमने ए से स्टार्ट किया, पहुंचे कहाँ और डी पे हो, किस डायरेक्शन में? नेगेटिव में। तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 -3, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ए से बी गए +4, फिर बी से सी गए -2, फिर सी से डी गए हो कितना पीछे गए? 1 2 3 4 5, सो -5। तो देखो -5, तो +4 मीटर, -5 -2, -7 मीटर, सो तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस, इससे बात वही है, सेम आंसर आ रहा है, समझ गए? तो इस तरह से तुम्हारा मोशन जो है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकते हैं। जीरो कब होता? जब इनिशियल और अगर फाइनल जब पॉइंट वापस सेम हो। अपना हाँ, मतलब जहां से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे वो लौट के आ जाता है, तो उसकी इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम हो जाएगी ना, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? नहीं सर, लिख सकते हो, नहीं। उसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा। लिख लो, नोट कर लो शॉर्ट में, ताकि बाद में रिवाइज कर पाओ। हटा दो, हटा दो, मैं हो गया सबका। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा है, इसमें तुम्हें बताना है दैट इनिशियल पोजीशन हमारा ए है और फाइनल पोजीशन हमारा एफ है। ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड एफ इज द फाइनल पोजीशन। तुम्हें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये गिवन है दैट 1 स्क्वायर जो है वो 0.5 किलोमीटर है।
डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पूरा पाथ कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पाथ है, 13 इंटू 1 का क्या है 1.5 है ना, 0.5 को 1/2 किलोमीटर लिखा जा सकता है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो तुम्हारे पास इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन जो भी होती है ना, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट होती है कि नहीं? तो तुम पहले ध्यान दो यहाँ पे दैट स्ट्रेट पाथ कौन सी पाथ होगी यहाँ से जो भी है, तो उसको अगर हम लोग मिलाते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मिलाना है स्ट्रेट पाथ जो भी यहाँ से तुम ऐसे मिला दो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करो। देखो देखो यहाँ पे कैसे करना है, जैसे एक डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन को ले लेते हैं वाई डायरेक्शन, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन समझते हो ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करो ए से, ए से ये पहले किधर जा रहा है, बी तक जा रहा है ना, एक्स में जा रहा है या वाई में जा रहा है, वाई एक्स में जा रहा है, ये एक्स में जा रहा है ए से बी, ए से बी जाएगा ना पहले, या फिर ए से सी जाएगा पहले, ए से बी, ये एक्स है या वाई है, एक्स है ना, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्क्वायर का कितना मतलब हो गया, 3 किलोमीटर, क्योंकि ये एक हाफ है, ठीक है, तो 6 कितना होगा, 3, फिर ये वाई में जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है, एक, इधर से हाफ और इधर से हाफ 1 किलोमीटर, फिर ये एक्स में पीछे जा रहा है कितना, 1, 2, 3, तो माइनस 1.5 नेगेटिवली है बिकॉज डायरेक्शन अब रिवर्स हो गया, फिर ये ऊपर जा रहा है कितना, 0.5, फिर ये आगे जा रहा है कितना, 0.5 किलोमीटर। तो अब तुम्हारा काम है बताना है टोटल एक्स में कितना गया है, एक्स में टोटल ये गया है 3 - 1.5 + 0.5, ध्यान से देखो, यहाँ 3, यहाँ -1.5 और यहाँ पे 0.05, टोटल कितना हो गया, तो टोटल एक्स में ये 2 किलोमीटर गया है। अभी तुम्हें बताना टोटल वाई में ये कितना गया है, तो पहले तो 1 किलोमीटर, उसके बाद 0.5 किलोमीटर, तो 1 + 0.5 किलोमीटर कितना, 1.5 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए, बोलो। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर टोटल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कितना है 1.5 स्क्वायर का रूट, ठीक है, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, एक मिनट, सो 2 स्क्वायर इज 4 and 1.5, 15 into 5, 2.25, so 6.25
2.5 किलोमीटर, समझ आया? ये कैलकुलेशन करने आता है ना, 2.5 किलोमीटर इज दी डिस्प्लेसमेंट, समझ गया ना कैसे बनाएगा? तो अब तुम पूछ रहे होगे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों लिखे? तो इसका आसान सा बहुत सिंपल सा कोई आंसर है, 11 में जाओगे ज्यादा क्लैरिटी में समझ आएगा। अभी इतना समझो दैट अगर सपोज एक्स एक्सिस में तुम 3 किलोमीटर जाते हो और वाई एक्सिस में 4 किलोमीटर जाते हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइव होगा। अरे ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट, फिर कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए ऐसा किया यहाँ पे। लिख लियो, नोट कर लियो। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन हुआ। अभी जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे तुम्हें दिया जा रहा है दैट अगर सपोज करो दैट कि ऐसा क्वेश्चन है एक हॉर्स है ठीक है, और उस हॉर्स को हमने एक स्ट्रेट रोप से टाइड किया हुआ है, दैट वो केवल सर्कल में घूम सकता है। मतलब अगर किसी भी जानवर को तुम अगर टाइट करोगे किसी भी रोप से, स्ट्रेट रोप से, तो वो तो एक मतलब घूमेगा तो उसका एक सर्कल ही बनेगा ना। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे आसान क्वेश्चन है तुम बना सकते हो ठीक है। जैसे देखो चलो कोई नहीं, देखो जैसे सपोज करो एक हॉर्स है और उस हॉर्स को हमने एक रोप से ऐसे बांध के रखा है और इस रोप की जो लेंथ है 7 मीटर है, तो हॉर्स जब घूमेगा पूरा रोप अगर टाइट रहेगा तो घूमेगा तो कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा जिसकी रेडियस होगी 7 मीटर। तो तुम्हें बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर फोर एंड हाफ रिवॉल्यूशंस। बोलो कितना होगा जल्दी?
बहुत सिंपल है। पहले तुम सरकमफेरेंस का फार्मूला तुम्हें आते ही होगा, 2πr होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, अगर हम लोग निकालते हैं तो वो 2πr होता है। तो जैसे बेसिकली हम लोग यहाँ बात करें अगर, तो मेरा जो यहाँ पर पाथ है वो पाथ तो 2πr है ना। अब ये हॉर्स यहाँ पे स्टार्ट करता है घूमना, स्टार्ट करता है यहाँ से, तो पहले ये घूम करके वापस लौटेगा ना, ये पेन को क्या हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जो भी मेरा पाथ होगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू, दैट डिस्प्लेसमेंट दिख रहे तुम्हें, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 × पाई, पाई का वैल्यू पता ना, 22/7 इंटू रेडियस आर, और इसे हम लोग टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, ये 2πr, ये 2πr कितने बार घूमने का, एक बार घूमने का है ना, तो 2πr एक बार घूमने का है, यहाँ पे घूमना कितना बार है इसे, 4.5, 4.5 का मतलब क्या होता है 9/2, नहीं समझे, जैसे ये वन राउंड अगर ये रोटेट करेगा ना, ये वन राउंड अगर ये चलेगा ना, तो वन राउंड चलने पे इसको 2πr घूमना है, तो इसीलिए यहाँ पे 2π × r, एक बार घूमने पर 2πr, उसी तरह से ये 4.5 बार घूमेगा, तो 9/2 का क्या मतलब होता है, 4.5 ही तो होता है, 4.5 ही तो होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्टेंस अगर चाहिए, ए सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये एक्चुअल पाथ है जो ये चल रहा है, ओके हाँ। अब अगर हमें डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल तुम्हें ये देखना है दैट इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट ये है, और फाइनली ये 4.5 रिवोल्यूशन के बाद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, समझ रहे हो, ये 1 revolution complete, 2 revolution complete, 3 revolution complete, 4 revolution complete and 4.5, मतलब ये यहाँ पहुंचेगा, तो इस जगह पर पहुंचेगा, तो तुम्हें इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, 2r होगा, हो गया सिंपल। तो इसका आंसर कितना है, 14, और ऊपर वाले का आंसर कितना बताए, कितना है क्या, 198 है क्या, ठीक है ठीक है, तो ऐसे करना था, समझ गया ना, बोलो। तो ऐसे करना था, आसान था ये, अभी अभी अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, एंड
जो भी है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लिख लिया हो, लास्ट क्वेश्चन ये। जैसे एक एक आदमी है, अभी डायरेक्शन तुम्हें बता दे रहा हूँ किधर क्या क्या है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो एक इंसान जो है ना, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। पहले तो वो जाता है 3 मीटर, वो जाता है ईस्ट में 4 मीटर, फिर वो जाता है नॉर्थ में, फिर वो जाता है 2 मीटर ईस्ट में, फिर वो जाता है 6 मीटर साउथ में, फिर वो जाता है 2 मीटर इधर वेस्ट में, फिर वो जाता है 10 मीटर इस तरफ साउथ में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो बताना है तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस तो बहुत आसानी से बता दो, क्या होगा डिस्टेंस बोलो तो? 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, ये कितना था? 6 प्लस 2 प्लस 10, कितना हो गया? अरे डिस्टेंस आसान है यार, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 10, 20, 14 और 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोला था मैंने? टोटल एक्स देख लो, तो टोटल एक्स कितना है ध्यान देना। पहले तो 3 है, एक्स का निकाल रहे, टोटल एक्स 3, फिर 3 के बाद 2, 2 के बाद -2, बस तो 3 हो गया। टोटल एक्स कितना हो गया? 3 हो गया। टोटल वाई निकाल लो, टोटल वाई के लिए पहले तो 4 है, फिर 6 उल्टा है -6, फिर -10 उल्टा है, तो कितना हो गया बोलो? -12, ये -16 और 4 -12। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना? 9 और वाई स्क्वायर कितना? 144। सो रूट अंडर 153 आया है आंसर। बोलो, नहीं आया? बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा, स्क्रीन देख ही नहीं रहा था उतने देर से, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं। तो अभी अभी क्यों बोल रहे हो? उतना देर से क्यों नहीं बोल रहे थे? सॉरी, देखो रिपीट कर रहे फिर से। देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। अभी अ पर्सन नॉर्थ कौन लेते हैं इसको? नॉर्थ ले, ये साउथ लेते हैं, ये ईस्ट लेते हैं और ये वेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन है, अभी ये पहले जाएगा 3 मीटर ईस्ट, ठीक है, फिर ये जाएगा 10 मीटर नॉर्थ, फिर ये जाएगा 5 मीटर वेस्ट, ठीक है, फिर ये जाएगा 6 मीटर साउथ, फिर ये जाएगा 2 मीटर वेस्ट और फिर ये जाएगा 3 मीटर ईस्ट। ये भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
बोलो। नहीं पता। सो डिस्टेंस होगा 31। हाँ सब ऐड कर दो ना, 10 प्लस 13, 13 15, 13 प्लस 5 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 3 29 ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले तुम टोटल एक्स निकाल लो, डायग्राम बना सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा तो। जैसे डायग्राम बनाओगे ना तो ऐसे बना लेना, दैट 3 मीटर ईस्ट, मतलब ऐसे 3 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर, फिर 5 मीटर वेस्ट मतलब ऐसे, फिर 6 मीटर साउथ, मतलब 6 मीटर साउथ का मतलब क्या हो गया, नीचे है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 मीटर वेस्ट का मतलब इधर, उसके बाद फिर 3 मीटर ईस्ट का मतलब ऐसे। अभी देख लो टोटल एक्स कितना है, टोटल वाई कितना है। तो एक्स में कौन कौन आ जाएगा, एक ये एक ये एक ये एक ये है ना। तो एक्स के लिए लिखेंगे हम लोग टोटल एक्स के लिए, तो लिखेंगे पहले 3 प्लस में, फिर माइनस में 5 बिकॉज उल्टा है, फिर माइनस, फिर प्लस में तो थ्री, डिस्प्लेसमेंट फिर 5 होगा। -2। देखो कितना आता है, तो यहाँ पे 3 3 6 6 -5 1 एंड 1 -2 -1। और वाई में टोटल देखो कितना है, तो वाई के लिए किसको इसको लेंगे हम लोग, वाई के लिए तो पहले तो 10 को लेंगे, फिर यहाँ पे 6 को लेंगे, और कोई है नहीं। सो 10 क्या हो जाएगा प्लस में, और 6 क्या हो जाएगा माइनस में, 6 माइनस में क्यों, बिकॉज नीचे है, ये 4 हो गया। क्या 5 कैसे बोल रहे है? नहीं ठीक है मेरे, हाँ सिर्फ 4 ही होगा उसका। हाँ कितना लिखा था, ये 25 लिख दी थी गलती, 16 की जगह। तो यहाँ पे तुम रूट अंडर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस वन का स्क्वायर 1 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया। ठीक है, आसान है, बहुत आसान तरीका बताए। ठीक है, इससे तुम बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन अभी और जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बेसिक्स क्वेश्चंस ही समझो। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल एक्स देख लो कितना है, टोटल वाई देख लो कितना है, और रूट अंडर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस एक बात ध्यान रखना है, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तुम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर देखे? हाँ सर। ठीक है, डाउट है कुछ पूछना सर से? नहीं सर, नहीं। ठीक है।